जो कि तमस का राक्षस है, पूरी तरीके से दबोच रखा है। आजकल ये कहने लगे हैं कि यह संभव है कि भारत क्षीण, रक्तहीन और प्राणहीन हो चुका है, इतना कमजोर कि फिर कभी उभर नहीं सकता, कि हमारी जाति की नियति अब मिट चुकी है, या फिर मिट जाएगी। ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को अथवा राष्ट्र को यदि वह स्वयं नहीं चाहता तो कमजोर होना जरूरी नहीं, क्योंकि राष्ट्र है क्या, हमारी मातृभूमि क्या है, वो एक भूमि का टुकड़ा ही तो नहीं है। न वाणी का एक अलंकार है, न मस्तिष्क की कल्पना है, वह एक महान शक्ति है जिसका निर्माण उन करोड़ों एकों की शक्ति को मिलाकर हुआ है जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक ठीक वैसे जैसे सारे करोड़ों देवताओं की शक्ति को एकत्र कर एक बल राशि संचित की गई और उसे परस्पर जोड़कर एकता स्थापित की गई, जिसमें से भवानी महिष मर्दिनी प्रकट हुई, वह शक्ति इसे हम भारत भवानी भारती कहकर पुकारते हैं। अपने स्वभावों को बदलना है और नए हृदयों के साथ नए मानव बनना है, फिर से जन्म लेना है।